अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां कलेक्टर मनोज पुष्ट ने आदेश जारी किया है कि सिगरेट एवं तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की धारा 4 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर 200 रुपये तक जुर्माना लगने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने आदेश जारी किया है कि सार्वजनिक स्थान, शासकीय कार्यालय, मनोरंजन केंद्र, पुस्तकालय, अस्पताल, स्टेडियम, होटल, शॉपिंग मॉल, कॉफी हाउस, निजी कार्यालय, न्यायालय परिसर, रेलवे स्टेशन, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, छवि गृह, एयरपोर्ट, प्रतीक्षालय, बस स्टॉप, लोक परिवहन, शिक्षण संस्थान, टी स्टॉल, मिष्ठान भंडार, ढाबा एवं अन्य सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करना प्रतिबंधित कर दिया गया है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सभी कार्यालय प्रमुख उक्त प्रावधान के अंतर्गत अपने कार्यालय को नशा मुक्त जोन घोषित कर एक विहित अधिकारी नियुक्ति करेंगे, जो कार्यालय में नशा करने वाले कर्मचारी को चिन्हित कर दंडित करना सुनिश्चित करेंगे। कलेक्टर ने सार्वजनिक स्थानों, मनोरंजन केंद्र, पुस्तकालय, अस्पताल, स्टेडियम, होटल, शॉपिंग मॉल, कॉफी हाउस, रेलवे स्टेशन, रेस्टोरेंट में धूम्रपान करना प्रतिबंधित कर दिया है। उन्होंने धारा 6 के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति द्वारा या 18 वर्ष से कम व्यक्ति को तंबाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित किया है। तंबाकू उत्पाद बेचने वाली दुकानों पर नियमानुसार चेतावनी बोर्ड लगाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने धारा 6 के अनुसार शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद विक्रय करना प्रतिबंधित किया है। उन्होंने आदेश दिए हैं कि धारा 6 का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कर सभी दुकानों, गुमटियों, स्थायी अस्थायी तंबाकू विक्री केंद्रों को हटाने के निर्देश दिए हैं तथा समय समय पर बैठक आयोजित कर समीक्षा करने के लिए कहा है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर 200 रुपये जुर्माना लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा एवं जिला शिक्षा अधिकारी को समस्त महाविद्यालयों एवं विद्यालयों को नशा मुक्त जोन घोषित कर विहित अधिकारी नियुक्त कर कार्यालय में नशा करने वाले व्यक्ति को चिन्हित कर जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए हैं। इतने सुंदर सुंदर गहने लाए, दुल्हन के रूप में चार चांद लगाए, के रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।